श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह में श्रोताओं को खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही है। कार्यक्रम के अंतिम दिन कथावाचक ने गोवर्धन पूजा व कृष्ण सुदामा के साथ अन्य कथाओं का मार्मिक वर्णन कर श्रोताओं को उनसे सीख लेने का संदेश दिया। उन्होंने प्रेम को बढ़ावा देते हुए घमंड विश्वास के साथ धोखेबाजी से दूर रहने की सलाह दी। ग्राम नकलापुरे सेफई अटावा में यूपी में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मानव जीवन के उद्देश्यों से परिचित कराया जा रहा है। सरस कथावाचक रेखा शास्त्री ने गोवर्धन पूजा कथा का वर्णन करते हुए कहा कि नंदगांव में पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और बालक कृष्ण ने माँ यशोदा व नंद बाबा से पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने इंद्र की पूजा बताई। इस मौके पर भगवान कृष्ण ने कहा कि आप सब लोग यह गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं करते, इंद्र तुम्हें क्या देते हैं। इस पर माँ यशोदा के इंद्र से नाराज होने की बात कहने पर उन्होंने इंद्र के बजाय गोवर्धन पूजा की जिद पकड़ ली। अंत में सभी को कृष्ण की बात मानना पड़ी। कथावाचक ने कहा कि भगवान की लीला कोई नहीं जानता, ये बात इंद्र को पता चली तो वो आग बबूला हो गए और ब्रजवासियों को सबक सिखाने के लिए तेज आंधी और बारिश शुरू कर दिए। इससे सभी लोग परेशान हो कृष्ण को कोसने लगे। बचाव की सारी व्यवस्थाएं फेल होने पर भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी की रक्षा की। यह आयोजन ज्ञान स्थली अकेडमी स्कूल के परिवार के द्वारा अपने गृह ग्राम में कराया जा रहा है, जिसका भंडारा 4 अक्टूबर को है। सभी भक्तों से प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है।